हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। मैं गगन खेरा तुहाडा अपने चैनल टेस्ट एंड ट्रेंड दे उत्ते वेलकम करदी हां। आई होप कि तुसी सारे जाने बहुत वधिया होवोगे। अज आपां तुहाडे नाल बहुत ही इंटरेस्टिंग ते मजेदार जी रेसिपी शेयर करांगे। आपां बनावांगे परांठा पिज्जा। बहुत ही टेस्टी ते मजेदार जी रेसिपी है, बहुत ही आसान है बनाउणा। अक्सर बच्चे पिज्जा खाण दी मांग करदे आ ते अज आपां उहनां नूं बहुत ही हैल्दी पिज्जा बना के सर्व करांगे। कणक दे आटे दा इह हैल्दी पिज्जा बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप तुसी रेसिपी नूं इंजॉय करोगे। फ्रेंड्स, इत्थे आपां एक कप कणक दा आटा लिया है। इहदे विच आपां एक चम्मच ही ऑलिव ऑयल पावांगे ते थोड़ा जिहा नमक पावांगे। जे तुहाडे कोल ऑलिव ऑयल नहीं है तां तुसी उहदी जगह दे उप्पर देसी घी वी इहदे विच एक चम्मच पा सकदे हो। सारियां चीज़ां नूं मिला के आपां थोड़ा थोड़ा पानी पा के एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेना। आटे नूं सैट होने लिए एक साइड के उपर रख दिता है। दूसरी साइड आपां बहुत बारीक हरियां मिर्चां कट लिया ने स्टफिंग के लिए, आधा चम्मच ऑरगैनो, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा जिहा नमक ते काफ़ी सारा मोजरेला चीज़ पा के आपां सारी चीज़ नूं मिक्स करके स्टफिंग बना लेनी है। अगर तुहाडे कोल ऑरगैनो नहीं है तां तुसीं इहनूं स्किप भी कर सकदे हो। हाँ जी, इत्थे आपां आटे दीआं दो बिग साइज़ रोटियां बना लिया ने, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ जो आप रोटी बनाने घर के उस साइज़ के आप रोटी बनाइए, पतली रोटी बनाइए, बहुत ज़्यादा रोटी की थिकनैस नहीं रखी। हाँ जी, वो उपर जी आप स्टफिंग रेडी की है, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑरगैनो ते चीज़ की सारे कितने फैला दी। उस तो बाद साइड्स के उपर आप थोड़ा थोड़ा पानी लगा के दूसरी रोटी नू बिल्कुल चंगी तरह के नाल इनू अटैच कर देना, ताकि जी अपनी रोटी है परांठा है वो खुले ना। सारिया जगह तो आप चंगी तरह के नाल इनू प्रेस कर देना। हाँ जी, इतने अपना जोड़ा परांठा है, चीज़ परांठा, वो रेडी हो चुका है। 2-in-1 रेसिपी है, ये आप चीज़ परांठा तो पिज़्ज़ा परांठा बनावे। हाँ जी, उस तो बाद इनू आप जो हल्का जहा ये नीचे तो पक जाए तो इनू आप टर्न कर देवे, गैस की फ्लेम ऑफ कर देवे। नाल ही आप उपर टमैटो कैचअप लगावे। तुहाडे कोल पिज़्ज़ा सॉस है तो तुसी वह भी लगा सकते हो। सारी जगह के उपर आप लगा दिती है। तुसी ये गल याद रखनी है कि ये जो आप काम करना है तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देना है। उस तो बाद घर के जो भी तुहाडे कोल सब्जियां अवेलेबल हो तुसी इहदे उपर लगा सकते हो। इत्थे टमाटर लगाया है मैं, नाल ही मैं कुछ ऑलिवस रखे ने, थोड़ा जिहा आप चीज़ पावांगे इहदे उपर ते कुछ होर सब्जियां जो भी तुहाडे कोल सब्जियां अवेलेबल ने। इत्थे मैं जिहड़ा पनीर इहदे उपर ऐड कर रही हाँ, कॉटेज चीज़। तुसीं कैप्सिकम पा सकते हो, बीनस पा सकते हो, पनीर पा सकते हो, कॉर्नस पा सकते हो, जो भी सब्जियां तुहाडे कोल अवेलेबल ने। इत्थे मेरे को कुछ शिमला मिर्चां जिहड़ियां सी पईआं सी, उन्हां नूं आपां गर्म पानी दे विच 1-2 मिनट दे लई बॉयल कर लिया ते उह आपां इहदे उपर लगा देवांगे। हाँ जी, इह थोड़े जिहे मेरे को बेसल लीफ सी, अगर तुहाडे कोल नहीं हैगे तां तुसीं इहदी जगह ते कोरिएंडर भी यूज कर सकते हो। इहनूं लैमन तुलसी भी बोलदे ने। हाँ जी, उस तो बाद आपां जिहड़े सारियां सब्जियां नाल उपर आपां बेस बना लिया उहदे उपर आपां काफ़ी सारा चीज़ जिन्नी तुहानूं पसंद है, मैनूं काफ़ी ज़्यादा चीज़ पसंद है ते मैं उस हिसाब दे नाल काफ़ी सारा चीज़ इहदे उपर स्प्रैड कर दिता। अगेन आपां थोड़ा जिहा ऑरगैनो पावांगे तां टेस्ट बहुत वधिया आउंदा है, ते थोड़ी जिही चिली फ्लेक्स पावांगे। ऑरगैनो मार्केट दे उपर ईजीली अवेलेबल हुंदा है, अगर नहीं तो तुसीं जदों भी पिज़्ज़ा आपां खरीदिया दे नाल कोई सीजनिंग मिलदी है तुसीं उह वी इहदे उपर ऐड कर सकदे हो। उस तो बाद आपां इहनूं चंगी तरह दे नाल कवर करके 10-15 मिनट दे लई बिल्कुल स्लो फ्लेम दे उपर पकाना है। हाँ जी, इहनूं मैं ढक्कण लगा दिता है पैन दा। तुसीं चाहो तां इहदी जगह दे उपर तुसीं एक प्लेट गर्म करके दूसरे गैस दे उपर इहदे उपर दे सकते हो, ताकि जिहड़ा पिज़्ज़ा उपरों भी अच्छी तरह दे नाल पक जावे। इत्थे तुसीं देख सकते हो कि पिज़्ज़ा जिहड़ा है अपना वो चंगी तरह दे नाल चीज़ मेल्ट हो चुकी है, पर इहनूं आपां होर 1-2 मिनट दे लई स्लो फ्लेम के उपर पकावे, ताकि चंगी तरह के नाल जी चीज़ है मेल्ट हो जाए तो नीचे तो जो बेस है वह पक जाए। हाँ जी, इतने अपना जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल परांठा बहुत ही चंगी तरह के नाल बन के रेडी हो चुके हैं। ये पिज़्ज़ा परांठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तुहाडा फेवरेट हो जाएगा, बनाना बहुत ही आसान है इनू। हाँ जी, इतने तुसीं देख सकते हो कि चंगी तरह के नाल पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुके हैं।
बेस भी चंगी तरह के नाल पक गया है तो हूँ आप कटिंग करांगे। बाजार में मिलन वाले महंगे पिज़्ज़ा नालों ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है तो बिल्कुल बेसिक इनग्रीडियंट जो घर के आप होंगे ने उन्होंने यूज करके पिज़्ज़ा बना सकते हैं। सिर्फ एक मोज़रेला चीज़ होंगी है जी हर घर अवेलेबल नहीं होंगी। हाँ जी तुम देख सकते हो कि जी प्रंट के जी स्टफिंग हुई है चीज़ की वह भी बहुत वधिया हुई है। हाँ जी इस तरह करके बैक तो भी बिल्कुल चंगी तरह बनिया हुआ है। पीसिस के कट कर लिया तुम इन सर्व कर सकते हो अपने बच्चों टिफिन के बहुत ही टेस्टी लगता।